जैसे दक्ष। स्टार्ट कर दी। अच्छा ध्यान देंगे इधर, लास्ट टाइम अभी हमने क्वेश्चन क्वेश्चन कर लिया था इसका, क्वेश्चन बन दिया था एक सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। अभी क्वेश्चंस करने हैं हमें, मेनली क्वेश्चंस करने हैं और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। अच्छा अब जो लेक्चर होगा ना ये इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के लिए, बहुत ज्यादा ये लेक्चर ऑर्गेनिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे अब। तो इसमें जो स्टडी करेंगे हम, मैंने इसके अंदर भी ले लिया, चलो थ्योरी वाला पार्ट पूरा हो चुका है, नेक्स्ट लेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इसके अंदर। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म रिएक्शन क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप्स है ना, सीरीज ऑफ स्टेप्स रिटन फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप्स रिटन फॉर ओवरऑल रिएक्शन, रिटन फॉर ओवरऑल रिएक्शन। मैंने इस पे बता दिया आपको कि जैसे ए से डी कोई रिएक्शन हुई है, इसमें ये मेन रिएक्शन है, ये मेन रिएक्शन है, अब इसको मैंने किया, इसका मैकेनिज्म लिखा मैंने, ए से बी लिखा, बी से सी लिखा, सी से डी लिखा, सी से, अब इन सबको ध्यान रखना कभी मेन रिएक्शन नहीं दी, अगर ये रिएक्शन थी, ये इसका मैकेनिज्म है। इलेवंथ वालों को पढ़ाने का बस पर्पज यही था कि ये वाला जो टॉपिक है ये ऑर्गेनिक में मैं यूज करूंगा आगे जाकर, कम से कम 2 महीने 3 महीने बाद यूज होगा, तो इसलिए ना ये पहले से पता होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, ऐड करने पर मेन रिएक्शन जरूर आनी चाहिए। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ए से डी। और ये भी मैंने बता दिया कि जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा रिएक्शन का, स्लोएस्ट स्टेप हमेशा रिएक्शन की स्पीड को बताएगा, क्योंकि जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, तब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। इसलिए स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, स्लोएस्ट स्टेप को क्या मानते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो ये मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है और हर एक स्टेप इसका एलिमेंट्री प्रोसेस होता है, जैसे इसकी मॉलिक्यूलरिटी को बोलेगा तो 1 बोलोगे, इसकी भी 1 बोलेंगे, इसकी भी 1 बोलेंगे, क्यों, क्योंकि तीनों केस में एक ही रिएक्टेंट है। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो सिर्फ सिंपल स्टेप्स के लिए डिफाइंड होती है, यानी जो मैकेनिज्म के हर एक स्टेप हैं उनके लिए डिफाइंड होगी। इसमें एक ही रिएक्टेंट है तो मॉलिक्यूलरिटी 1, इसमें एक ही रिएक्टेंट है तो इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी 1, इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी 1, लेकिन इसकी कोई मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगी, बिकॉज मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर सिंपल स्टेप्स। तो हर एक स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड होगी, पूरी रिएक्शन के लिए नहीं डिफाइंड होगी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो इसके मैं एक दो एग्जांपल लूंगा, एडवांस लेक्चर्स में और एग्जांपल ले लूंगा मैं इसकी। तो एग्जांपल मैं ले रहा हूं पहले इसकी, जैसे अगर मैंने लिया, ध्यान देंगे, एग्जांपल लिया 2N2O5, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा स्कूल में इसका, 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2, 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। अब मैंने लिख दिया रेट इज इक्वल टू, इसके लिए रेट इज इक्वल टू के इंटू N2O5, और मैंने तुमसे बोला राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ये क्वेश्चन है इसका, राइट द मैकेनिज्म, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, मैकेनिज्म तुम्हें निकालना है इस रिएक्शन का, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो ध्यान देंगे इसमें कैसे लिखना है, ध्यान देंगे। अब मैंने तुम्हें एक हिंट दिया हुआ है, सिर्फ मैकेनिज्म लिखना ना एक इमेजिनेशन है, राइटिंग ऑफ मैकेनिज्म इज बेस्ड अपॉन इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन के ऊपर ही है। कैसे लिखेंगे ध्यान देंगे, बस मैं हिंट दूंगा इसका एक, इसमें दिया हुआ है रेट लॉ, इसमें ऑर्डर क्या रिएक्शन का, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। 1 तो उसको देख कर मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे,
अब ध्यान देना N2O5 ये स्लो स्टेप में होगा कि नहीं होगा, बस ये ध्यान देंगे इस बात का, ये स्लो स्टेप में होगा कि नहीं होगा। होगा हाँ, और अकेला यही होगा। इसको तुम ध्यान रखना, इसको तुम टू कर दो, सही ना, इसको तुम टू कर दो, थ्री कर दो, फोर कर दो, हाफ कर दो, कुछ नहीं कर सकते तुम इसे, ये एक ही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, गलती मत करना इसमें, समझ आई मैंने क्या बोला, ये इसको हाफ टू वन थ्री कुछ नहीं कर सकते, ये एक ही होना चाहिए, दे शुड बी ओनली वन ऑलवेज, ये हमेशा एक होना चाहिए, सही ना, ये हमेशा एक होना चाहिए। अब अकेला मॉलिक्यूल है तो टूटेगा, अकेला मॉलिक्यूल है तो डिसोसिएट होगा, डिकम्पोज होगा, इसको डिकम्पोज ऐसे करना कि इन दोनों में से एक बन जाए, बस इन दोनों में से एक, दोनों मत बनाना, दोनों बनाओगे तो रिएक्शनिंग खत्म हो गई उसी स्टेप पे, इन दोनों में से एक बन जाए। तो इसको मैंने डिकम्पोज किया NO2 प्लस NO3 की फॉर्म में, NO2 प्लस NO3 की फॉर्म में, ये ऐसे डिकम्पोज कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप लिखना बहुत ईजी है, ये पहला स्टेप इमेजिनेशन का प्रॉब्लम है, नेक्स्ट स्टेप लिखना बहुत ईजी है, क्यों ईजी है, क्योंकि मेरे को पूरी रिएक्शन पता है, पूरी रिएक्शन पता है और एक स्टेप उसका पता है, तो दोनों को माइनस कर दूंगा मैं, दोनों को माइनस कर दूंगा, आ जाएगा कि नहीं है, आ जाएगा ना दोनों को माइनस करने पर, तो माइनस करो उसको, ध्यान देना 2N2O5 माइनस दिस N2O5 क्या आ गया N2O5, ये N2O5 आ गया। अगला स्टेप, अगले में 4NO2 माइनस NO2 क्या आ जाएगा 3NO2, फिर प्लस O2, ये O2 है, माइनस NO3, प्लस O2 माइनस NO3, तो प्लस O2 इधर आ जाएगा और माइनस NO3 है तो इधर आ जाएगा, और ये फास्ट स्टेप होगा, एक ही स्टेप स्लो होता है, दो स्टेप स्लो कभी नहीं होंगे, ध्यान फास्ट होते हैं स्टेप्स, एक बहुत फास्ट होता है, एक थोड़ा कम फास्ट होता है, लेकिन स्लो स्टेप एक ही होगा रिएक्शन के अंदर, हमेशा स्लो स्टेप एक ही होगा, समझ आ गया कि नहीं, ये मैकेनिक्स कैसे लिखा है, किसी कोई डाउट तो पूछ सकते हो, आप तो ये इस तरह से लिखना है, थोड़ा सा इमेजिनेशन में बेस्ड है, और कई बार क्वेश्चन स्कूल में ऐसे भी आता है, नेट रिएक्शन दे देंगे, नेट रिएक्शन दे देंगे और कहेंगे तुमसे, नेट रिएक्शन दे देंगे और मैकेनिज्म दे देंगे, कहेंगे व्हाट इज द रेट लॉ, तो रेट लॉ किसको देख के लिख देंगे, स्लो स्टेप को, स्लो स्टेप देखा उसमें एक ही N2O5 है तो उसको देखकर रेट लॉ लिख दिया, उसको देखकर रेट लॉ लिख दिया, समझ आया कि नहीं है सर, ये रेट लॉ वाला नहीं है, अरे यही तो है रेट लॉ, N2O5 एक ही है ना, एक है तो बस रेट जो लुक के N2O5, स्लो स्टेप को देख के लिखना बस, ओके स्टेप को देख करके, जैसे इस केस में अगर सी से डी स्लो था, सी से डी स्लो था तो मैं लिखता रेड जो लुक के इंटू सी, अभी तो शुरू से यही बोल रहा हूँ मैं, रेड जो लुक क्या आ जाएगा के इंटू सी, सही है, यस सर, तो ये हाँ ये ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा अब ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैं इसके एक दो एग्जांपल और ले रहा हूँ, ये ट्राई करना है, अब जैसे ये दे दिया मैंने तुम्हें से NO2 प्लस CO गिव्स CO2 प्लस NO, CO2 प्लस NO, रेट दे रखा है के इंटू NO2 का स्क्वायर, राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म लिखना है। दूसरा क्वेश्चन एक और ट्राई करेंगे जल्दी से, 2NO2 प्लस F2 गिव्स 2NO2F, 2NO2F रेट दे रखा है के इंटू NO2 इंटू F2, मैकेनिज्म इसका भी मैकेनिज्म लिखना है, इसका भी मैकेनिज्म लिखना है, इन दोनों का मैकेनिज्म लिखना है, तो ट्राई करेंगे जल्दी से एक बार।
सर पहला हो गया, एक बार दोनों ट्राई कर लो जल्दी से। चलो आंसर देख लेंगे। मैच का नंबर किसका सही हुआ है? देखो फर्स्ट रिएक्शन में स्लो स्टेप के अंदर दो NO2 है, तो NO2 प्लस NO2 या टू NO2 लिख दो, एक ही बात है। स्लो स्लो आ गए और आ जाएगा NO3, एक मैं देख के बनाऊंगा इसमें से, वो NO ही बन सकता है क्योंकि दोनों ये NO2 हैं, NO3 प्लस NO, NO3 प्लस NO ये बन गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में माइनस कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसको, माइनस करेंगे तो NO2 माइनस NO2 खत्म, CO माइनस NO2, तो CO इधर रह जाएगा, O बड़ा बनाना, NO2 इधर आ जाएगा। अब CO2 माइनस एनओ थ्री, सी ओ टू माइनस एनओ, सी ओ टू माइनस एनओ थ्री, तो सी ओ टू तो इधर आ जाएगा और माइनस एनओ थ्री इधर, मतलब इधर आ जाएगा प्लस एनओ थ्री, और सी एनओ माइनस एनओ कैंसिल, तो ये है। और उल्टा भी पूछ सकते हैं, मैकेनिज्म दे देंगे, कहेंगे राइट द रेट लॉ, दोनों ध्यान, क्वेश्चन ऐसे भी आता है तुम्हें ये रिएक्शन दे दें, मैकेनिज्म दे देंगे पूरा और बोलेंगे राइट द रेट लॉ, तो फिर तुम्हें ये लिखना पड़ेगा। रेट लॉ क्या होगा, स्लो स्टेप को देखकर, स्लो स्टेप में दो NO2 है तो रेट जो के इन टू NO2 का स्क्वायर आ जाएगा, रेट आ जाएगा के इन टू NO2 का स्क्वायर। नेक्स्ट का मैकेनिज्म सही किया सबने कि नहीं है? इसने पहले स्टेप में ट्वाइस ऑफ NO बना दिया तो हाँ वो भी सही है, वो भी सही है। फिर अगले स्टेप में फिर माइनस होगा ना एक NO, लेकिन यस सर हाँ एक NO उधर आएगा, हाँ सही है, कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं, सही है वो भी। नेक्स्ट स्टेप में मगर अब इसमें NO2 into F2 है, NO2 plus F2 यही दो ले लेंगे, क्या बनेगा NO2F, और कोई चांस नहीं है क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है, NO2F plus F, plus F लेंगे रेडिकल की फॉर्म में, ये ध्यान रखना, F लेंगे रेडिकल की फॉर्म में, और कोई तरीका नहीं है इसका। तुम ये मत बताना कि F क्यों लिखा, हाफ F2 क्यों लिखा, हाफ एफ टू क्यों लिखा इसको, हाफ एफ टू क्यों नहीं लिखा, कोई भी लक्ष्य अक्षज दक्ष सर, क्योंकि सेम हो जाते तो कैंसिल नहीं हो जाते। हाँ मुकुल बहुत अच्छे मुकुल, अगर मैं इसको हाफ एफ टू लिखता तो ये इस एफ टू से कैंसिल हो जाता, यहाँ पे एनओ टू प्लस हाफ एफ टू आ जाता, ऑर्डर ही चेंज हो जाता, इसलिए एफ लिखना इसको। नेक्स्ट अगला स्टेप माइनस कर देंगे, 2NO2 माइनस NO2, NO2 आ जाता, प्लस F2 माइनस F2 कैंसिल, 2NO2F माइनस NO2F, NO2F उधर कुछ है नहीं, नीचे माइनस F करेंगे तो प्लस F, तो ये स्टेप स्लो और वो फास्ट। मैकेनिज्म लिखना आ गया कि नहीं है? Yes, sir. लिखना आगे होगा, ये बहुत इजी था, कोई टफ नहीं था, एक खुद ट्राई कर लेंगे। थ्री सी एल ओ नेगेटिव, थ्री सी एल ओ नेगेटिव गिव्स सी एल ओ थ्री नेगेटिव, सी एल ओ थ्री नेगेटिव प्लस टू सी एल नेगेटिव, रेट दे रखा है के इंटू सी एल ओ नेगेटिव का स्क्वायर, K into CLO negative का square, इसका मतलब क्या, participating molecules कितने हैं, तीन, but rate deciding molecules are two, participating molecules are three, participating molecules are three, but rate deciding molecules are only
डिसाइडिंग मॉलिक्यूल्स कितने हैं? टू, क्योंकि पावर टू है, पावर टू है तो रेट डिसाइडिंग मॉलिक्यूल्स टू ही होंगे। समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इस चीज का ध्यान रखना है कि पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल्स कितने हैं, रेट डिसाइडिंग मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अच्छा नेक्स्ट अब है और मैकेनिज्म इसका, चलो और मैं बताऊंगा अभी इसके। ये तीन तो तीन चार जो मैंने कराए हैं जरूर कर लेना, ये बिल्कुल सिंपल लेवल पे बताए हैं। आगे मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा अच्छे वाले, अभी एडवांस वाले लेक्चर्स में, इतना जरूर कर लेना पहले, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। या चलो एक एक क्वेश्चन ट्राई कर लो, कुछ होता एक क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। मान लो दे रखा तुम्हें इसका ट्राई करो, ए प्लस बी के वन के टू गिव्स एक्स गिव्स पी के थ्री और ये स्लो है, तो मैं इसके अंदर बताना है व्हाट इज द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। What is the rate law of the reaction? देखो इधर पहले इसको इसको रिएक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। नेट रिएक्शन क्या है इसकी, दोनों को ऐड करो, ये ए प्लस बी गिव्स एक्स और एक्स गिव्स पी, ये के वन बाय के टू है, इसको मैं केसी मान रहा हूँ। केसी क्या होता है, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंस, मैंने बता रखा है ये तो 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। केसी क्या होता है, केसी होता है के वन बाई के टू, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि कुछ बच्चे 11th वाले देख रहे हैं उनको पता लग जाए। केसी होता है के वन बाई के टू, यानी फॉरवर्ड रेट कॉन्स्टेंट बाय बैकवर्ड रेट कॉन्स्टेंट, के वन बाई के टू फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये 11th बच्चे जो भी देख रहे हैं जो उनको पता होना चाहिए, ये ध्यान रख लेंगे। केसी होता है के वन बाई के टू, के वन क्या है फॉरवर्ड रेट का कॉन्स्टेंट अपॉन में बैकवर्ड रेट का कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो कोफिशियंट होते हैं वो पावर में आ जाते हैं, जो कोफिशियंट होते हैं वो पावर में आ जाते हैं। अब ये रिएक्शन जो है मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ए प्लस बी गिव्स एक्स, एक्स गिव्स पी, ये के थ्री है और स्टेप स्लो है। मैंने बोला व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, what is the order of this reaction and what is the rate law for this reaction, what is the order as well as rate law for this reaction। what is the order as well as rate law of this reaction, so order 1 hoga nahi, ab dhyan denge idhar, ab jo main question karunga dhyan dena is pe। नेट रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन, ये तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन दे रखा था ध्यान रखना, क्वेश्चन ये है और क्वेश्चन ये है और तुम्हें बोला राइट रेट लॉ एंड फाइंड ऑर्डर, ये क्वेश्चन है राइट रेट लॉ एंड फाइंड ऑर्डर, ये क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने इसको पूरी रिएक्शन बनाने की कोशिश की, पहले अलग अलग स्टेप लिख दिए इसके, तो ए प्लस बी गिव्स एक्स, एक्स गिव्स पी, ये इक्विलिब्रियम का साइन है सबको पता ही है। अब उसके बाद मैंने इसको पूरी रिएक्शन क्या है इसकी, दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी गिव्स पी, दिस इज द नेट रिएक्शन, ये नेट रिएक्शन है, ये नेट रिएक्शन है, ये इसका मैकेनिज्म है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द, ऐसे भी क्वेश्चन आता है ये, मैं बीच वाली लाइन रब कर रहा हूं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए थोड़ा, ये समझ आ रहा है मेरा क्वेश्चन मैंने क्या बोला हुआ है। ये एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में नहीं पूछेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। बोलना किसी को आंसर, सर टू 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 दक्ष बता कैसे सर, रेट लॉ हम लिखेंगे के थ्री इंटू एक्स की कंसंट्रेशन और x की कंसंट्रेशन को इधर से रिप्लेस कर देंगे k1 by k2 into a into b।
दक्ष तेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, 100 में से 99% मार्क्स है। एक पता कि तूने एक्स की वैल्यू क्यों सब्स्टिट्यूट की है? सर क्योंकि वो ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है। बहुत अच्छे यार दक्ष, मेरे को तेरे से एक्सपेक्टेड था ये आंसर, तेरे से, लक्ष्य से या फिर अक्षत से। बहुत अच्छे दक्ष, ध्यान देंगे। ए प्लस बी गिव्स पी है, रेट क्या आएगा? रेट क्या आएगा? के थ्री इंटू एक्स, ये आएगा, ये सबने लिख लिया होगा और उसको देख के ऑर्डर भी बोल दिया होगा वन, बट दिस एक्स इज इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन, दिस इज नॉट इन द रिएक्टेंट्स एज वेल एज इन द प्रोडक्ट्स, तो इसलिए ये रेट लॉ कभी डिसाइड ही नहीं कर सकता। ये तो जितना प्रोड्यूस हुआ उतना कंज्यूम हो गया, है ही नहीं रिएक्शन के अंदर, इट इज ऑनली एक्टिंग एज इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन, कैन नॉट डिसाइड द रेट लॉ, कैन नॉट डिसाइड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसलिए अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन से, K1 by K2 क्या है? X upon में A into B. This implies X is equal to K1 by K2 into A into B. X ये आ गया, अब इस X की वैल्यू ऊपर पुट कर दो तो रेट क्या आ गया? K3 इंटू के वन बाई के टू, जो कि के सी भी कह सकते हैं हम, इंटू ए इंटू बी, ए की पावर भी 1 है, बी की पावर भी 1, तो ऑर्डर इज 2, ऑर्डर इज 2, क्लियर, ऑर्डर इज 2, और कोई रेट कॉन्स्टेंट पूछेगा तो इन तीनों का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल नीचे डिवाइड बाय K2। ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? इस टाइप के मैं एडवांस लेक्चर में क्वेश्चन कराऊंगा 2-3 और, ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए ढंग से, इसमें गलती ना हो कोई भी। स्कूल में आज तक बोर्ड में कभी नहीं आया क्वेश्चन स्कूल में ये, लेकिन वैसे इम्पोर्टेंट है बहुत क्वेश्चन ये, और न्यूमेरिकल ऑर्गेनिक के अंदर मैं इसी को यूज करूंगा। 11th वाले बच्चे चाहें तो अब ना भी अटेंड करें तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर कर लिया आधा, मतलब अराउंड 30% चैप्टर हो गया उनका, तो अगर आगे चाहें तो अटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज उनका काम खत्म हो गया, ये मेरे को बताना था मेनली उनको। तो इसकी मैं एग्जाम्पल दूंगा अपने एडवांस लेक्चर्स के अंदर, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर लेना इसको, नेक्स्ट नोट करेंगे। इसके क्वेश्चन और भी हैं, मैं इसमें नहीं करा रहा, इतना सफिशिएंट है इतना। किसी को पूछना तो नहीं दोबारा? किसी को पूछना तो नहीं है कुछ? चलो नोट करेंगे आगे। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट था, इसको ढंग से कर लेना, नेक्स्ट नोट करना है। जैसे मैंने बोला रेट, ये ऑरली सुन के आंसर देना, क्वेश्चन खत्म होते ही आंसर मिलना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स when volume is reduced to 1/3, what is the order of reaction? कोई भी आंसर बोलेगा? So, 9 नहीं, वो कुल 3। ओके, किसने बोला है? दक्ष। बहुत अच्छे दक्ष, रेट आएगा, ध्यान देना, ये क्वेश्चन खत्म, ये तो क्वेश्चन ओरल क्वेश्चन है। रेट क्या होता है? के इनटू कंसंट्रेशन रेस टू एन, एन पूछा है मैंने, जनरल लगा दो, ओरली भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कर सकते। रेट जो के इनटू कंसंट्रेशन रेस टू एन है, रेट हो गया 27 टाइम्स, रेट हो गया 27 आर। जब वॉल्यूम को 1/3 किया तो कंसंट्रेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन एन बाई वी होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। वॉल्यूम 1/3 किया तो कंसंट्रेशन क्या होगा? 3 टाइम्स। नहीं समझ आई बात? ये क्वेश्चन छूट, क्वेश्चन खत्म होते ही आंसर मिलना चाहिए था इसका, तो ये इजी क्वेश्चन था। वॉल्यूम को 1/3 किया तो कंसंट्रेशन क्या होगा? 3 टाइम्स, यानी कंसंट्रेशन मैंने 3 टाइम्स किया तो रेट हो गया 27 टाइम्स। ये कब होगा? जब 3 का क्या होगा? 3 की पावर क्या होगी? 3 होगी, डिवाइड कर दो दोनों को, ये 1 ये 2, तो 2 बाय 1 क्या आ रहा है? चेक करो एक बार, 27 इज इक्वल टू 3 रेस टू एन, ये सी, ये वाला सी और ये वाला सी, ये मैंने ऊपर कंसंट्रेशन लिखा है वो जो कि सी ही है, इधर रेट लिखा है ये आ रहा है, तो 3 रेस टू एन आ गया, एन इक्वल टू 3 आ गया। और किसी ने निकाला था आंसर? मैंने निकाला था। अच्छा, ये क्या कहते हैं, लक्ष्य, लक्ष्य और अक्षत है नहीं क्या इसमें?
बाकी ये हर्षिल देव ये क्लास अटेंड नहीं कर रहे क्या? आंसर नहीं बोल रहा कोई भी? फिर आ गया बाद में आया। अरे सही कुछ नहीं होता, निकालना चाहिए आंसर। ऑलरेडी भी आना ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो जाना चाहिए। तुषार है क्लास में, तुषार को भी आंसर बोलना है। चलो ध्यान रखना इस चीज का। तो ये आ गया n = 3 आ जाएगा आंसर से। ये स्कूल बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, ये आने चाहिए सबको। नेक्स्ट नोट करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन जैसे रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर डायमराइजेशन रिएक्शन। ध्यान देंगे, रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर डायमराइजेशन रिएक्शन इज रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर डायमराइजेशन रिएक्शन इज 5 × 10⁻⁵ एट 0.01 मोलर। रेट दे रखा है सेकंड ऑर्डर डायमराइजेशन रिएक्शन का, सेकंड ऑर्डर डायमराइजेशन का रेट दे रखा है एट से 0.01 मोलर कंसंट्रेशन, एट 0.01 मोलर कंसंट्रेशन व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है लेकिन आने चाहिए। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, बोलो आंसर जल्दी फास्ट, आंसर बोलो जल्दी। परफेक्ट आंसर तमन्ना, 0.5। बहुत अच्छे तमन्ना, थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाना है। रेट जो के इनटू सी का स्क्वायर है, रेट दे रखा 5 × 10⁻⁵, रेट दे रखा 5 × 10⁻⁵ और सी कितना है 0.01 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 0.5। तमन्ना यूनिट्स नहीं बोल रही थी, यूनिट्स क्या आएंगी? मोलर इनवर्स सेकंड इनवर्स, लीटर पर मोल पर सेकंड, हाँ या मोलर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स से मार्क्स कटेंगे इसमें। नेक्स्ट नोट करेंगे, सपोज के दे रखा है, के दे रखा है 3.2 × 10⁻³ मोलर सेकंड इनवर्स। बोलेंगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? जीरो ऑर्डर। कौन सा? हाँ बोलो, जीरो। क्या आएगा? जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। मतलब नहीं है इससे, कोई मतलब नहीं है, यूनिट देखेंगे आंसर बोलना है, यूनिट देखेंगे आंसर बोलना सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। मैं वैल्यूज थोड़ी ऐसी दूंगा जिससे कैलकुलेशन तुम्हें ईजी लगे थोड़ा। रिएक्शन हो रही है 2a + b + c, या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं क्वेश्चन को, रुक जाओ एक मिनट। क्वेश्चन है 3a + 5b + 2c, ये रिएक्शन दे रखी है गिब्स प्रोडक्ट्स, गिब्स प्रोडक्ट्स ये रिएक्शन है, और इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है 5, 3 और 1 मोलर, 5 मोलर, 3 मोलर, 1 मोलर, ये मोलर दे रखे हैं, और रेट लॉ दे रखा है KAB square, ये दे रखा है तुम्हें। अच्छा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? थ्री। रेशियो निकालना है तुम्हें, रेशियो निकालना है फाइनल रेट टू इनिशियल रेट, फाइनल रेट टू इनिशियल रेट, रेशियो निकालना है फाइनल रेट टू इनिशियल रेट इफ इफ बी इज रिड्यूस्ड टू। ध्यान देंगे, इफ बी इज रिड्यूस्ड टू, ये कैलकुलेट कर रहा तुम्हें, इफ बी इज रिड्यूस्ड एक है 2 1.5 मोलर, दोनों में ले रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे कभी भी, एक है बाय 1.5 मोलर। जिसके पास मेरे नोट्स हैं, नोट्स हमने लिए थे, जिसके पास नोट्स है ना, मैं उससे डायरेक्ट दे रहा हूं अपने नोट्स में से क्वेश्चन, ये
नोट्स के सारे क्वेश्चन करने हैं, नोट जिसके पास पड़े हैं मेरे तो वो नोट्स में से क्वेश्चन करेगा काइनेटिक्स के, क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर काफी सारे। तो अब ये करना तुम्हें क्वेश्चन जल्दी से करेंगे क्वेश्चन, इसको कैसे होगा, फाइनल रेट टू इनिशियल रेट निकालना है। अच्छा अक्षज, अक्षज यस सर, अक्षज नेक्स्ट क्लास रखनी है अभी? यस सर रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल स्कूल नहीं है। चलो सही है, वही 20-25 मिनट के बाद रखूंगा क्लास में, अभी तो पहले कर लो क्वेश्चन। सर 1/4 आ रहा है क्या आंसर? कितना निकला है? सर 1/4। 1/4। चलो एक बार देखेंगे, ध्यान दे देंगे एक बार, कैलकुलेशन नहीं करेंगे बस वैसे ही ध्यान दे देंगे। देखो इनिशियली 5-3-1 है, इनिशियली क्या है 5-3-1, 3A प्लस 5B प्लस 2C। C का कोई मतलब है रिएक्शन के अंदर? C का कोई मीनिंग नहीं होगा, क्यों? तो क्योंकि रेट में है नहीं, रेट में नहीं, रेट लॉ में नहीं है वो, 5 में से गया। इसको हमेशा ऐसे करना, इनिशियल वाला पार्ट में नहीं लिख रहा, इनिशियली ये जीरो होगा प्रोडक्ट, 5 में से गया 3x, फाइनल का लिख रहा हूँ मैं, फाइनल का इनिशियली ये है, ध्यान रखना चीज का, इनिशियल रेट लॉ कोई पूछेगा, इनिशियल रेट will be equal to k into 5 into 3 का स्क्वायर, k into 5 into 3 का स्क्वायर, फाइनल रेट में कर रहा हूँ, 5 में से गया 3x, 3 में से जाएगा, ये 3 है, 3 में से जाएगा 5x, ऐसे ही करना क्वेश्चन को हमेशा, और 1 में से जाएगा 2x जिसका कोई यूज नहीं होगा। अब इसने पहले पार्ट में बोला, पहले पार्ट में बोला b is reduced to 1.5 molar, यानी b जो है नाउ इट इज इक्वल टू 1.5, बी 1.5 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 0.3 शायद, चेक करना एक बार। यस सर, यस सर, 0.3 मोलर, x आ गया 0.3, जब x 0.3 है तो ये कितना आ गया 4.1, और ये कितना आ गया जिसका कोई यूज नहीं होगा 0.4, बस ये आ गया। अब रेट, फाइनल रेट देखेंगे, फाइनल रेट, फाइनल रेट विल बी, या आर एफ लिख देते हैं उसका, आर आई और आर एफ लिखते हैं वो ज्यादा अच्छा रहता है। चलो कुछ नहीं होता, ये इनिशियल रेट लिखा मैंने, इनिशियल रेट को मैं आर आई लिख देता हूँ जल्दी से, बट आर आई, आर आई और ये आर एफ, तो ये आ जाएगा के इंटू 4.1 इंटू 0.1.5, सॉरी 1.5 आएगा इसका स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करके आंसर निकाल लोगे कि नहीं? दोनों, ये फाइनल रेट भी निकाल दिया मैंने, ये दिस इज फाइनल रेट, ये फाइनल रेट है और ये इनिशियल रेट है, दोनों को डिवाइड करना, के की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, के की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। किसका सही निकला आंसर?
किसी का निकला सही आंसर? सर मेरा बोलो। यस सर पहले सही आनी चाहिए। अच्छा अब अगला पार्ट जो है मैं इसी में कर रहा हूँ, जरूर कर लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इसे जरूर कर लेना इसको। नेक्स्ट है मैंने लिखा बाय 1.5 मोलर, यानी इस केस में क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 1.5 हो जाएगा बस, बाय 1.5। इसलिए मैंने दोनों को एक ही क्वेश्चन में ले लिया है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। नाउ बी इज रिड्यूस्ड बाय 1.5 मोलर, बाय 1.5 मोलर है, इसका मतलब क्या है कि 5x इज इक्वल टू 1.5। आगे कर लोगे कि नहीं, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3, तो ये आ जाएगा, अब हमारा बी आ जाएगा, यहां पुट कर देंगे 5x को, 5x को 1.5 पुट कर देंगे तो b आ जाएगा 1.5 ना, b तो 1.5 ही आ जाएगा, और x आया 0.3, तो ये सेम आ रहा है क्या, दोनों में सेम आ रहा है, शायद दोनों में सेम आंसर आएगा इस केस में। यस सर, हां दोनों में सेम आएगा, इस केस में सेम हो गया गलती से, अदरवाइज चेंज आते हैं आंसर इसमें। ये समझ आ गया टू और बाय का मीनिंग, ये टू और बाय का मीनिंग कर लेना, ये क्वेश्चन पूछते हैं, और स्पेशली कोफिशिएंट का ध्यान देना, इसलिए मैंने कोफिशिएंट ज्यादा वेरी कर दिए हैं। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो सिंपल 2a + b लिखा हुआ है, इसका इसमें 1 था तो 1 में से 2x जाएगा, अगर ये मान लो 2 था तो 2 में से x जाएगा, बस सिंपल सोचना है इसके अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको कर लेना जरूर, नेक्स्ट नोट करेंगे। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ट्राई करना। मान लो दे रखा है एम ए गिव्स एन बी, ये दे रखा है सही ना, एम ए दे रखा है और एन बी दे रखा है, एम ए एन बी, और दिया तुम्हें इसके अंदर माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी लॉग दे रखा, स्टार्टिंग में लॉग ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ डी बी बाई डी टी प्लस 0.3। तो एम और एन क्या होंगे, जल्दी से आंसर बोलेंगे। ये सारे क्वेश्चन है नीट वगैरह में, एम्स में पूछे जाते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, तो ये आना चाहिए सबको। सर टू और वन, बहुत अच्छे दक्ष, बहुत अच्छे। और किसी ने निकाला आंसर, और किसी ने निकाला आंसर? यस सर, ध्यान देंगे दे। किसने कर लिया? पर्यंत। पर्यंत बहुत अच्छे। अच्छा log of db by dt है, log of da by dt है, बस सिंपल तुम्हें क्या करना है, इसको log, ये कितना है log 2 ही तो है, ये सब सिखा रखा है 11th क्लास में, ये log 2 होता है कि नहीं, तो अब यहाँ पे लिख दिया मैंने, log सब कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा माइनस da by dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स db by dt, तो ये हो गया माइनस 1/2 डी ए बाई डी टी। अब तो कंपेयर कर लोगे, रेट लॉ ऐसी तो लिखते हैं, माइनस 1/2 डी ए बाई डी टी डी बी बाई डी टी जीरो डी बी बाई डी टी, तो यानी ये क्या आ गया 2, और यहाँ पे क्या है 1, तो 2 और 1 आ जाएगा, एम की वैल्यू 2 और रिएक्शन ही आ जाएगी, रिएक्शन ये आ जाएगी, समझिए कि नहीं है, 2 से 1, 2a गिव्स 1b। नेक्स्ट क्लास भी 15-20 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगी, 15 मिनट के बाद में भी स्टार्ट